हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको चार स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस बोर्ड को मैंने रिपेयर किया है, अब मैं इसका कनेक्शन आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, चारों स्विच के नीचे वाले पिन को हमने शॉर्ट किया हुआ है और ये दोनों नीला तार फेज का है। एक बोर्ड में आया है और एक यहाँ से दूसरे कमरे में गया है। और ये जो सफ़ेद वाला तार है, यह पॉइंट का तार है। तीनों स्विच के ऊपर वाले पिन में मैंने एक एक तार का कनेक्शन कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, जो पीला वाला तार आया हुआ है वह न्यूट्रल का तार है, जो कि 5-पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा हुआ है। और यहीं पर दो सफ़ेद तार भी लगा हुआ है, जो कि दूसरे कमरे में गया हुआ है। और ये देखिए, चौथे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन से 5-पिन सॉकेट के एल वाले पिन में भी फेज के तार का कनेक्शन किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से चार स्विच और एक 5-पिन सॉकेट का कनेक्शन किया जाता है। अब चलिए मैं इसे इसके ढक्कन में बंद कर लेता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसे इसके ढक्कन में बंद कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।